हेलो क्लास, वेलकम टू आवर LFCS ऑनलाइन क्लास। माय सेल्फ संध्या तिवारी, योर SST टीचर। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 6। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम AD 1206 टू 1526। ओके, रिमेंबर दिस date, okay? And building, in this we will read about building, minars, mosques, gardens, tanks, etc. okay? And one of the most important mosques of during this time, that is Huwat ul Islam. Okay, so let's start मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सुल्तान्स 1206 टू 1526। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेर वंडर स्ट्रक टू सी द हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन टेम्पल्स। जब दिल्ली सुल्तान जब हमारे इंडिया में, उन्होंने क्या देखा, जब हिंदू के जो आर्ट और आर्किटेक्चर को उन्होंने टेम्पल्स में देखा तो वे शॉक्ड रह गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दे टू वेर फॉन्ड ऑफ रिचली डेकोरेटेड बिल्डिंग्स, दे वेर ऑल्सो टू लवर ऑफ डेकोरेटेड बिल्डिंग्स। सो लेट अस सी, इन्वेडर्स लाइक महमूद गजनवी took away hundreds of Indian craftsmen to their countries, and also जब मोहम्मद गजनवी हमारे यहाँ आया तो जब वो वापस जाने लगा तो वो 100 लोगों को यानी craftsmen को इंडिया से अपने देश में ले गया। okay, the art that developed in India under the Delhi Sultans, और जो art दिल्ली सुल्तान के अंडर में उत्पन्न हुआ, डेवलप हुआ, क्या हैड अ मिक्स्ड स्टाइल विच इज कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये हिंदू और मुस्लिम के दोनों के मिक्सन से हुआ, दैट्स वाई वी कॉल दिस एज ए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द मुस्लिम रूलर्स फ्रीली एम्प्लॉयड इंडियन क्राफ्ट्समैन, and also Muslim rulers very freely employed whom the Indian craftsmen. They produced some of the finest specimens of Indo-Islamic architecture in the shape of, और उन्होंने जो Indo-Islamic स्टाइल में कुछ important buildings उन्होंने तैयार किए, like minars, mosques, tombs, gardens and towns. Huwat ul Islam, the earliest mosque was built by Qutbuddin Aibak. This mosque was built by Qutbuddin Aibak. Which mosque? Huwat ul Islam. The Qutb Minar, Alai Darwaja in Qutb complex at Mehrauli near Delhi. टॉप ऑफ यास उद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला, लोधी गार्डन, हाज खास ETC आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मैग्निफिशेंट वर्क्स ऑफ दिल्ली सुल्तान। दीज वर द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाई दिल्ली सुल्तान्स, विच वेर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान्स। यस, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा इन कुतुब कॉम्प्लेक्स, वेयर इट इज इन कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली नियर दिल्ली, टॉप ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला एंड लोधी गार्डन एंड ऑल्सो हज खास। ओके, अंडरलाइन ऑल दिस। द construction of Qutb Minar was begun by Qutbuddin. The Qutb Minar का जो construction work किसके द्वारा start किया गया था, Qutbuddin।
कुतुबुद्दीन बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था लेकिन बीच में उनकी डेथ हो गई, तो किसने इसको कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया? इल्तुतमिश। इट वॉज ड्यूल्ड इन ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अ सूफी सेंट एंड इट वॉज ड्यूल्ड इन हूज ऑनर? इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अ सूफी सेंट। अलाउद्दीन खलजी ब्यूल्ड द न्यू कैपिटल कॉल सीरी फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द कुतुब कॉम्प्लेक्स। फिर अलाउद्दीन खलजी ने न्यू कैपिटल बनवाया और उसने क्या नाम रखा? सीरी, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स से थोड़ी दूरी पर था। ही हैड ऑल्सो प्लान्ड अ न्यू टावर एंड ऑल्सो प्लान्ड फॉर अ न्यू टावर ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार एंड ऑल्सो उसकी जो हाइट थी कुतुब मीनार से दोगुना थी। बट डिड नॉट लिव टू कम्प्लीट इट। ही उसने विश किया था कि कुतुब मीनार से भी डबल बनवाएगा हाइट में, लेकिन उसको बनवाने के लिए वो जीवित नहीं रहा। द अलाई दरवाजा वॉज एडेड बाई हिम टू कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स, लेकिन उन्होंने अलाई दरवाजा कुतुब कॉम्प्लेक्स से ऐड किया हुआ था। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड बिल्डिंग्स बिगन टू बी डेकोरेटेड विद बोथ ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइंस। और कुतुब सल्तनत के टाइम में जो डेकोरेशन होती थी किस तरह से होती थी? ज्योमेट्रिकल, जैसे आर्क बना दिया या कहीं पर उसने ट्राइंगल का शेप दे दिया, एंड ऑल्सो फ्लोरल डिजाइंस, फ्लावरिंग वाला डिजाइंस दे दिया। कलर्ड टाइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स वेर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो दे यूज सो डिफरेंट कलर्स ऑफ टाइल्स एंड ऑल्सो दे गिव डिफरेंट शेड्स ऑल्सो यूज टू डेकोरेट देयर बिल्डिंग्स। द सुल्तान्स ब्यूल्ट आर्क्स अबव द डोरवेज। आपने देखा होगा ना इस तरह का, जैसे कि उन लोगों का दरवाजा इस तरह से होता है, आर्क टाइप का इस तरह का उन लोगों ने शेप दिया था। दीज आर्क्स आर कॉल्ड द सुल्तान्स ब्यूल्ट आर्क्स अबव द डोरवेज एंड विंडोज। These arcs are called two arcs because they are not supported by beams. यहाँ पर क्या ये two arcs है, क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पर कोई support नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ beam की आवश्यकता नहीं है। As was formerly done in India before the arrival of the Turks and Afghans, लेकिन हमारे यहाँ जब इसके पहले support लिया जाता था beams का। Now, stones were placed obliquely. Obliquely means not in direct way. Direct way, not in stones were placed obliquely to form the joint. Pillars were also used for support. The forts were simple but strong. Forts भी बड़े ही simple होते थे, लेकिन क्या होते थे? Strong. The sultans founded two cities. Which two cities? Founded cities and towns. Tughlaqabad by तुगलकाबाद बाय ग्यासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज शाह कोटला बाय फिरोज तुगलक आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार एंड आगरा आर आल्सो फेमस टाउन्स ऑफ दिस एज। ओके,
The tombs like Lodhi tomb of Lodhi kings and nobles were decorated with colorful tiles and built inside gardens. फिर उन्होंने जो tombs of Lodhi और Lodhi kings और nobles they decorated, उन्होंने decorate किया with what? With colorful tiles and also built inside gardens. Okay? So today only this much. Thank you, beta. So write down your homework. Do true false of chapter 3. Okay.